ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी के सीतापुर में 4 दिन पहले जिला न्यायालय के एक जज को डाक द्वारा एक पत्र भेजकर जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी भरा पत्र मिलते ही जज रामविलास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं पत्र के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज पुलिस ने जज को जान से मारने वाले की धमकी देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि धमकी भरा पत्र विशेष न्यायाधीश कोर्ट के जज रामविलास को स्पीड पोस्ट द्वारा मिला था, जिसके आधार पर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। जांच शुरू कर दी गई थी। कृष्ण कुमार दुबे पुत्र रविशंकर दुबे निवासी ग्राम परसदा थाना मछरीहाट का एक SC ST कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जो कि इनके पक्ष में सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी बात को लेकर इन्होंने एडवोकेट रामकुमार शर्मा पुत्र बाकेलाल शर्मा निवासी बुद्धिपुर कला थाना बड्डूपुर जनपद बाराबंकी के साथ मिलकर धमकी भरा पत्र भेजा था। दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर नाव से, जहां पूरे जनपद में परमिशन और बगैर परमिशन के अवैध खनन कर खनन माफिया दिन रात संपत्ति के मालिक बनते जा रहे हैं और खनन अधिकारी की जेब में गर्म गर्म नोटों की गड्डियों से जेब भरने का काम भी कर रहे हैं। योगी सरकार लाख दावे कर ले खनन माफियाओं को निस्तनाबूद करने के, लेकिन जिले में बैठे खनन अधिकारी उन्हीं खनन माफियाओं के तलवे चाटते हुए नजर आते हैं। चंद पैसे में अपने पद की गरिमा को सरेआम बेचकर खनन माफियाओं के पालतू कुत्ते बनने को तैयार हैं। रिश्वतखोर अधिकारी ऐसी बानगी उन्नाव के खनन अधिकारी अनंत कुमार सिंह हमारे खुफिया कैमरे में कैद होते हुए नजर आए। आपको बता दें कि हमारी टीम के द्वारा जब जनपद में हो रही परमिशन और बिना परमिशन के अवैध खनन को लेकर उनका जवाब जानने की प्रयास की गई, तो साहब हमारी टीम को ही पत्रकारिता सिखाने लगे। अब जिस स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं कैसे खनन अधिकारी अनंत कुमार सिंह हमारे खुफिया कैमरे में बता रहे हैं कि हमारी टीम से कि अगर आपका कोई जानकारी आपको लेनी है तो आप RTO डालिए, आप हमें RTI डालिए, आप हमें लिखित में शिकायत दीजिए। हमारा काम परमिशन देना है, खनन हो रही जगह पर जाकर चेक करने का काम तो लेखपाल का है, वो हमें को बताएगा कि खनन अवैध हो रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे, आप हमसे बेकार में ये सब पूछ रहे हैं। प्रतापगढ़ में जेठवाड़ा के बीरसिंहपुर गांव में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने अशोक सिंघल के बने मंदिर का उद्घाटन किया और अखिलेश यादव पर जमकर वार किया। भाजपा के अब तक 5 राज्यों में से 1 राज्य में हमें विश्वास है कि 3 राज्यों में सरकार बनाएंगे। MP छत्तीसगढ़ राजस्थान जीतेंगे, तेलंगाना और मिजोरम में भी अच्छा प्रदर्शन हम करेंगे। अखिलेश यादव के पास कोई राजनीतिक विजन न होने के कारण इस तरीके की वो बातें करते हैं। वो विपक्ष रचनात्मक की भूमिका निभाने की जगह अपने कार्यकाल में गौवंशों की गर्दन पर खंडर चलाने का काम करते थे, गौवंश की तस्करी का काम करते थे। हम ये मानते हैं कि जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी अभी नहीं है। हम लोगों ने 250 करोड़ का प्राविधान किया है, गौवंशों को व्यवस्थित करेंगे, सरकार की प्राथमिकता के आधार पर काम करेंगे। मंदिर आंदोलन के अग्रणी योद्धाओं में से थे, जिनके मार्गदर्शन में हमारे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने काम किया है। आज उनकी मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम हमारे मित्र कृष्ण कुमार पांडे जी, जो पूज्य अशोक जी के वह भी शिष्य हैं, मैं भी शिष्य हूँ, और रखा हुआ था, उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे आज आने का मौका मिला। और अच्छी बात यह है कि आज 2 दिसंबर, आज से लगभग 50 दिन बाद रामलला की जन्मभूमि पर रामलला 550 साल बाद विराजमान हो जाएंगे। उमेशपाल हत्याकांड के 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई। उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी और 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ शनिवार को प्रयागराज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रयागराज पुलिस ने शहर के चक निरातुल इलाके में गुड्डू मुस्लिम के 3 मंजिला मकान पर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने बकायदा डुगडुगी बजाकर पहले कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया और फिर कुर्की की कार्रवाई की। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है, वो कई महीनों से फरार है। गुड्डू मुस्लिम पर पुलिस रिकॉर्ड में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुड्डू मुस्लिम बम बनाने का मास्टर था, उसने उमेश पाल और 2 गनर के मामले में कई बम उमेश और गनर पर मारे थे, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वही सूत्रों की बात करें तो अतीक अहमद के बेटों की आर्थिक मदद करने के अलावा गुड्डू अतीक की पत्नी शायस्ता परवीन का खास राजदार था। अभियुक्त है, इसी के खिलाफ आज हमने ये प्राथमिक कार्रवाई इनके घर पे करी है। सर कितने अपराधी मुकदमे हैं सर? कुल 6 अभियुक्तों के खिलाफ हमने प्राथमिक कार्रवाई का आदेश प्राप्त किया है माननीय न्यायालय से, और उन सभी के खिलाफ ये कार्रवाई करी है। कितने अपराधी मुकदमे गुड्डू मुस्लिम के उनके खिलाफ करीब दर्जन भर आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कानपुर पहुंचे, जहां विधानसभा अध्यक्ष कानपुर के महाराजपुर विधानसभा से लगातार 8 बार के विधायक सतीश महाना ने कानपुर के 3 आउटस्कर्ट्स पुल के लोकार्पण के लिए पहुंचे। लोकार्पण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि 3 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें गरबीगवा का पुल बनकर तैयार है। सरसौल वाले पुल पर रेलवे विभाग के इंजीनियर काम कर रहे हैं, जिसमें 2 महीने में पूरा काम हो जाएगा। 3रा पुल चकेरी में बनने को तैयार है और उसमें लोगों को आने जाने में सुविधा हो सकेगी, जिसकी कुल लागत करीब 9 करोड़ 50 लाख है। पास में क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में कहा कि कई सड़कें अपनी उम्र पूरी कर लेती है, 3 साल या 5 साल में टूट जाती है, उनको भी बनाया जाएगा।
आज कानपुर के ये तीन जो आउटस्कर्ट्स के स्टेशन हैं, करबिगवा, सरसौल और चकेरी, इनके फुट ओवर ब्रिज का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। रेलवे विभाग के द्वारा उसको बनाया गया। साथ ही यहाँ पर करबिगवा का जो आरओबी था, रेलवे ओवर ब्रिज, वो भी बनकर तैयार है। मैंने उसको भी देखा, उसके ऊपर से भी सवारियां जा रही हैं। अभी मैं यहाँ पर सरसौल जो ब्रिज बन रहा है, उसमें भी काफी तेजी से हमारे रेलवे के इंजीनियर्स के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। कासगंज में सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। कमिश्नर डीएम और एसपी द्वारा तहसील सदर में जन समस्याएं सुनी गई। समस्याओं के समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए गए। तहसील दिवस में आने वाली शिकायतों को कतई लंबित न रखा जाए, कमिश्नर कहते हुए नजर आए। तुरंत शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण करें। संपूर्ण समाधान दिवस में आए 117 प्रार्थना पत्रों में से 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर संबंधित आरआई को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए। रुद्रप्रयाग के मुख्यालय बाजार में गाड़ियों के अनियमित खड़े होने से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसमें आने जाने वाले राहगीरों के साथ साथ व्यापारियों को भी परेशानी को सामना करना पड़ता है। तो वहीं सड़क किनारे फुटपाथ पर भी व्यापारियों ने सामान बिखेरा हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में यात्रा सीजन में जहां जाम की भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, तो वहीं अब शीतकाल के दौरान भी अनियमित गाड़ियों के खड़े होने से व्यापारी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं बाजार में कुछ व्यापारी अपनी दुकानों के आगे गाड़ी खड़ी करने पर आपत्ति जताते नजर आ रहे थे, जबकि सर्विस बसों और सुमो मैक्स वाहन चालकों का कहना है कि हम सड़क पर और अड्डे पर खड़े नहीं होंगे तो कहाँ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों तरफ दुपहिया वाहन खड़े रहते हैं, साथ ही नालियों के ऊपर बने फुटपाथ पर भी दुकानदारों का सामान रखा रहता है, जिससे लोगों को चलने में दिक्कतें होती हैं। वहीं आपसी विवाद को देखते हुए यातायात निरीक्षक श्यामलाल तुरंत मौके पर पहुंचे, बस और मैक्स वाहनों को खड़े करने का निश्चित स्थान चिन्हित किया और जल्द ही सड़क किनारे खड़े बाइक स्कूटी हटाने को कहा। देखिए, ये जो गाड़ियों वाली बात है, व्यापारी की जो आपत्ति है वो ये थी कि जो है आजकल जो है शादी ब्याह का सीजन भी है, इसमें जो है गाड़ियों का आवागमन ज़रा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उनको थोड़ा दिक्कत हो रही थी। क्योंकि ये जो पॉइंट वाली गाड़ियां हमारी लगती हैं, ये पहले से हैं और ये अब जो है सॉर्ट आउट हो गई हैं। इसमें जो है व्यापारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ये जो यूनियन की जो गाड़ियाँ लगती हैं, दोनों पार्टियों की सहमति हो गई है। और यहाँ पर जो हमारे यूनियन के अध्यक्ष भी आए थे और हम सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे, तो ये दोनों यूनियन में भी और जो व्यापारी हैं हमारे, उनमें भी जो है आपसी सहमति हो गई है। गाड़ियां जैसे पहले लग रही थी उसी तरह जो है लगवाई जा रही है। साजापुर में एनआईए की छापेमारी जारी है। छापेमारी में एनआईए की 3 सदस्य टीम ने एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से नकली नोट, लैपटॉप और कई दस्तावेज बरामद हुए। एनआईए की टीम सभी से पूछताछ करने में जुटी है। एनआईए की छापेमारी साजापुर के बांडा थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले में हुई। यहाँ से एनआईए ने आदित्य सिंह उर्फ विवेक ठाकुर नाम के युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए युवक के पास नकली नोट के मामले में दूसरे जिलों से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। इनपुट मिलने के बाद एनआईए ने यहां छापेमारी की। पौड़ी जिले के अमकेश्वर विधानसभा के विकासखंड द्वारीखाल में ऐतिहासिक खेल मैदान डाडा मंडी में युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खेल महाकुंभ का प्रमुख द्वारीखाल महेंद्र सिंह राणा ने प्रथम दिन दूरी प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डाडी मंडी पहुंचने पर आयोजकों, खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों ने वाद्य यंत्रों और फूलमालाओं से स्वागत किया गया। प्रांतीय रक्षक दल और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी संजय बिष्ट के निर्देशन में आयोजित खेल महाकुंभ प्रतियोगिता प्रारंभ से पूर्व खिलाड़ियों ने प्रमुख राणा को मार्च पास कर सलामी दी। आज द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया गया और हमारे ब्लॉक द्वारा बीओ बिष्ट द्वारा कराया गया और मैं समस्त गुरुजनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आज आप जो बच्चे प्रथम, द्वितीय और तृतीय आए हैं और जो बच्चे रह गए हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अगली बार तैयारी करें और आप भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आएंगे। कोई चीज़ आखिरी नहीं होती, हमें प्रयास करते रहना चाहिए और आगे इस तरह के खेलों से हमारे पहाड़ में जो बच्चे हैं उनको निखरने का मौका मिलता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।